अस्सलाम वालेकुम, अभी जो हमारा इशू चल रहा है पेशावर बीआरटी से रिलेटेड, कि उनके कुछ स्टेशन से तीन चार पांच स्टेशन से जो है व्हीलचेयर रैंप निकाल दिया गया है, एक्सटर्नल रैंप, तो उसका जो नुकसान है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आज हम फ्रेंड्स ऑफ पब्लिक्स की टीम इस्लामाबाद जो स्टेशन है बीआरटी का, इस्लामाबाद मेट्रो का जो स्टेशन है पिम्स वाला, उसमें हम ये यहाँ पे भी रैम की फैसिलिटी नहीं है और बंद पड़ा है। अच्छा, क्या सिचुएशन है जी इरफान साहब? ये रैम यहाँ पे रैम तो नहीं है और ये अभी फैसिलिटी जो पर्सनल डिसेबिलिटी जो ओल्ड सिटीजन के लिए दी गई है, एक फैसिलिटी अच्छी बात है कि यहाँ पे एक एलिवेटर इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन ये इस वक्त यही नारा लगाते हैं कि ये हमने पर्सनल डिसेबिलिटी के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की। ये भी आप देख रहे हैं मेट्रो की बस आ गई भाई और ये स्टेशन पे चलेगी, लेकिन ये आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इधर से आप उधर जाने के लिए स्टेयर्स, ये सम स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप लिफ्ट एलिवेटर जो है ये ख़राब पड़ा है, तो इसीलिए हम इस बात पर फोकस करते हैं, जोर देते रहते हैं हर जगह पर। एक्सटर्नल एलिवेटर, एक्सटर्नल रैंप जब तक नहीं होता, टैन भी आपके पास जब तक ना हो, ये हमें सेकेंड ऑप्शन में रखना चाहिए। इस तरह जिन लोगों के पास फिजिकली फिट लोगों के पास एक ऑप्शन है, वो देखिए अगर एलिवेटर ख़राब ही है, हमारे भाई वो देखे जा रहा है स्टेयर्स इस्तेमाल कर के इजीली जा रहा है। यानी अभी यहाँ पे हमारे ये जो व्हीलचेयर यूज़र भाई है वो अभी एक्सेस नहीं कर पा रहा, स्टेशन तक नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे जो एलिवेटर है वो ख़राब है और यहाँ पे कोई बंदा नहीं है कि हमें या हमारे जो व्हीलचेयर यूज़र है उनको असिस्ट कर सके। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्सीवेटर और स्टेयर्स है जो फिज़िकल फिट लोग हैं उनके लिए तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मजबूरन हमें वापस जाना होगा। तो यही इशू है जो कि हम बीआरटी की जो अथॉरिटीज़ हैं जो कि पेशावर में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है उस पर हम उनके साथ उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये फॉल्ट जो है जहन में मद्देनज़र रखते हुए जो रैंप इन्होंने रिमूव किए हैं तो काइंडली वो इंस्टॉल कर लें और जो और स्टेशन हैं उसमें इम्प्लीमेंट कर लें। थैंक यू।